देख रहे हो ना आप केकरी ट्यूटोरियल, इसी कोचिंग ने बनाया मुझे। आप जो पोस्ट हो ना 57% लड़का है क्या सर कोई आपको? हाँ ये तो है। ये कौन लड़का है, क्या धीरज मार रहा है? सर लग तो ये 2022 में से IIT रुड़की की थी क्या? भाई ये सर भाई ऐसे ही तो लग रहा सर। वो शोरूम पे लेके जाएंगे सर, जिस गाड़ी पे हाथ रखेंगे वो गाड़ी सर को हमारी तरफ से। कैसे हो आप लोग? आज आप लोग पूछते हो ना कि मैंने कहाँ से करी तैयारी, यारी भैया धीरज भैया कहाँ से करे हो? तो हमारे साथ है हमारे आशीष सर। सर कैसे हो सर? गुड इवनिंग बेटा जी। सब बढ़िया बेटा जी। सर आपको से बच्चे बहुत याद करते सर? नहीं बच्चे याद नहीं करते, बच्चे टीचर को फर्स्ट से कहते हैं फर्स्ट से शिखर तक पहुँचा देते हैं। बोनी में से आप लोग इतना याद कर रहे, वैसे हम लोग का कंट्रीब्यूशन माँ बाप के कंट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में बहुत कम होता बेटा जी। आप भले ही दूसरों से कहो कि हमने आपके पीछे कुछ मेहनत की, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बच्चे, हम लोग मेहनत सबके साथ करते हैं, पर उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाम हम लोग का रोशन कर देते हैं, तो उन्हीं को हम लोग छाप देते हैं होर्डिंग में, कहते हैं पैसा कमाते हैं। लड़का है क्या सर कोई आपको? ये तो है। ये कौन लड़का है, क्या धीरज मार रहा है? सर लग तो ये 2022 में इसने IIT रुड़की की थी क्या? हाँ सर वही है। सर भाई ऐसे ही तो लग रहा सर वो। तो सर सर मैं आपको बताना चाहता सर कि सर थैंक्स अ लॉट, आज मैं जो भी हूँ मजाक से मेरी जय चन्नी देख लेना, मैंने साफ साफ बोल के रखा है कि ये जो कोचिंग देख रहे हो ना आप केकरी ट्यूटोरियल, इसी कोचिंग ने बनाया मुझे। आप जो पोस्ट हो ना 57% बोल रहे 365 God knows how he is doing 106 this I think so 106th day, seventh day he is continuously making the vlogs and today he is with us in Jhansi today। ये बिल्कुल झूठा है, इसकी बात मत मानो। He is only the hard working person। ये बहुत hard working है, आप इससे inspired हुई है। मैं ये बोलूँगा जो ये बात बोले इसमें आप 100% believe करिए, क्योंकि ये वास्तव में real में देखिए I can only assure you one thing कि hard work always pay। ये बहुत मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि अभी से। When he was in class 10th also, when he was in class 12th also, सिर्फ 4 घंटे की नींद। आप imagine करो कि 4 घंटे, मतलब किसी भी समय बोलाओ उस समय हाजिर है, पढ़ रहा है। आप लोग भी पढ़िए और please do support धीरज मौर्य, because today you will support, you will be benefiting from him। Don't cry, पागल है क्या? अरे यार धीरे, don't cry यार, फालतू में क्या है? अबे हम लोग क्या कर रहे थे उसमें जिंदगी में? तुमने खुद किया ये वास्तव में, तुम्हें लगता है तुम ये बोल रहे हो? सर देखो माना मेहनत मेरी है, नो डाउट मैंने करी, पर 57% से जब मैं 8th क्लास में आया था ना, 8th क्लास जब खत्म हुई थी तो मैं सोचता था कि टॉपर कुछ और ही होते हैं, तुम हमें रुला दो और तुम टॉपर कोई और ही होते हैं, और जो ब्लू एवरेज होते मेरी तरह वो कुछ और होते हैं, मतलब हम लोग कुछ कर नहीं सकते। पर कहीं ना कहीं जो हमारे आशीष सर हैं, नहीं हमारे साथ हमारे नितिन सर हैं, हेलो नितिन सर, तो सर आप भी बहुत फिजिक्स जो सर मैं कहना चाहूंगा मेरे जेई एडवांस्ड में सबसे हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में ही आए थे, ठीक है। तो पूरा क्रेडिट सर को जाता है, ठीक है। मैं सीधा बोलता हूँ कि सर हमारे जिस तरह सर ने लोग इसकी बातों में बिल्कुल मत मानो, पढ़ाया है ना, एक नंबर का झूठा भी है। और ये अपनी मेहनत किसी और पे थोपता है, हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं, ये इसका पुराना तरीका है कि हाँ सर ने कुछ किया। अरे सर ने तो 4 को पढ़ाया, 15 को पढ़ाया, उनमें से कितने रुड़की में है। IIT रुड़की इज अ ड्रीम फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट बेटा जी, वहां तक हासिल कर रहा है। क्या मैंने IIT करी? क्या आज मैं वहां पर हूँ? नहीं, पर मैं देखता हूँ आप लोग को तो ऐसा लगता है जो मेरा ड्रीम था फुलफिल हो गया आप लोग के रूप में। दैट इज द थिंग। इसकी बातें बिल्कुल मत माने, सारी बातें झूठी हैं। धीरज मौर्य इज अ फेक पर्सन। भाई देखो मैं तो फेक हूँ, भाई देखो मैं तो सब देखो फेक हो ना हो, पर मुझे इतना पता है कि देखो जब एक देखो गुरु जो होता है ना भाई, भगवान का दूसरा रूप होता है, सीधी बात मैं कहता हूँ। देखो मैं मेहनत कर रहा था, ऐसी बात नहीं है, मैंने मेहनत करी मैं मानता हूँ, पर एक डायरेक्शन जो रहती है ना, एक सही डायरेक्शन कि हाँ भाई तू अगर मेहनत कर रहा है तो मैं तेरे सपोर्ट में हूँ,
सर सर ने मतलब कभी मुझे ऐसा नहीं समझा कि मैं कोई अरे ऐसे थे तो इनके नंबर ही नहीं आते छोड़ो। बहुत से टीचर होते कि भाई अरे तो इस पे तो ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ टॉपरों पे ध्यान देते, यही हमारे रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, नहीं है बेटा, हमसे भी देखिए बताएं, बहुत टीचर है ऐसे हैं, बस उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के टीचर हों। मैं आपको बताऊँ कि यूपी बोर्ड इज वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड, मतलब इतना ज़्यादा टफ है कि वहाँ के टीचर बहुत मेहनत करते बच्चों के साथ, पर अपनी एक सोसाइटी ऐसी बन चुकी जो इंग्लिश में बात करेगा उसी की इज्जत है, जो इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है उसकी इज्जत नहीं हो रही, ऐसा लोगों ने परसेप्शन बना लिया है। तो लोग कैसे भी हों भाई, हिंदी हमें मातृभाषा है, टॉक इन हिंदी, बिल्कुल वास्तव में हिंदी की रिस्पेक्ट करिए, मुझे ये मालूम है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ब्लॉग बनाना, चैनल को ग्रो कराना, एक पढ़ाई करते समय 365 डेज का चैलेंज लेना, इस अल्टीमेटली हैट्स ऑफ भाई। मैं 365 दिन नहीं पढ़ाता हूँ, आई वॉन्ट टू रिपीट, मैं 365 दिन नहीं पढ़ाता हूँ, ना मैं पढ़ा सकता हूँ, आई वॉन्ट अ ब्रेक, बट धीरज मौर्य 365, गॉड नोज हाउ ही इज डूइंग, 106th day, 7th day, he is continuously making the vlogs and today he is with us in Jhansi. Today, finally, मैं सोच रहा था ये आगे मुझसे कुछ बात करेंगे, आप मानोगे नहीं, हम लोग 3 घंटे से लगातार बातें कर रहे हैं और ये बात करने का, ये आप लोग के बारे में बात करते करते थक नहीं रहा है कि सर बच्चे ऐसे हैं, वो हैं, बच्चे ऐसे करते, इतनी मेहनत करते हैं, मतलब थंबनेल बना रहे हैं, मतलब मैं आप लोग की बातें सुन रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं रियल में मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, पर मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, ये कंटिन्यूसली ये ग्रो करते रहें। और बेस्ट विशेस फॉर धीरज मौर्य, गॉड ब्लेस सर, थैंक्स अ लॉट सर। मैं बस इतना कहूँगा कि देखो फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से, मतलब तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा 11th खराब है, तुम्हारी 9th खराब है, तुम्हारी 7th खराब है, तुम्हारी 8th खराब है, फर्क नहीं पड़ता भाई। जिस दिन से तुमने मेहनत करना चालू कर दी, अभी आज है, अभी तुम्हारे कुछ भी हो, जिस दिन से तुमने मेहनत करना चालू कर दी, उस दिन से तुम्हारी सक्सेस का तुम्हारी सीधे जंप आता सीधे 10 गुना बढ़ा। और फिर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, बस फिर तुम्हें चलते रहना है, रुकना नहीं है। नहीं, एक बात मैं कहूंगा कि धीरज मौर्य being in IIT Roorkee, giving his IIT examination, making blog is a surprising element, क्योंकि इतने बच्चे IIT Roorkee में हैं, I have never seen the person who can manage all this thing, then to coming and he is socially also very active, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ वो ब्लॉग बनाता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ उसके मिलने वाले कम से कम 100 तो उसके दोस्त हैं, पर वो समय निकालता है, वही समय आपको निकालना है और पढ़ना है, तो ब्लॉग भी देखो और पढ़ाई भी करो, ठीक है। देखो भाई मैं एक चैलेंज करना चाहूंगा, देखो तुम जन्म लियो ना दुनिया में, तो कुछ भी करो भले ही फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मतलब लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम जो पसंद हो जो कर रहे हो उसे शिद्दत से करो, बस। और ये नहीं होता कि मतलब तुम ये कर रहे हो फिर वो कर रहे हो, ऐसा नहीं। मैंने भी बहुत सारी चीजें करी, मैंने डिजाइनिंग करी, और तुम ये मत सोचो कि तुम्हें उसी चीज में रिजल्ट मिले। बहुत से बच्चे होते जो जिनका बहुत मेहनत करते और फिर सोचते हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं हुआ, मैं तो जनरल कैटेगरी से था इसलिए नहीं हुआ, बाकी जैसे ऐसे वाले हैं जो सब तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही आ जाते। देखो एक बात बताऊं, तुम्हारी अगर मेहनत सच्ची है ना तो आज नहीं तो कल तुम्हें पक्का रिजल्ट मिलेगा। पर अगर तुम हार मान के बैठ जाओगे, तुम सिस्टम को ब्लेम करो, सबको ब्लेम करो, तो तुम्हारी तुम ब्लेम करते रह जाओगे, तुम्हारे कर्म खराब होंगे और तुम गाली आली लिखते रहो कमेंट में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भगवान की कृपा रही तो आप बहुत आगे जाएंगे, अगर कुछ और लिखा होगा जिंदगी में तो कुछ और करेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, बस बात ही खत्म। तो ये मेरे वर्ड्स थे, तो थैंक्स लॉट आशीष सर, थैंक्स अ लॉट नितिन सर, सर आप लोगों का ही हाथ है मेरे ऊपर, मैं मजाक से हट के कह रहा, मतलब छोड़े तो नहीं, मतलब हाँ ऑब्वियसली अब सर आगे पढ़ाते नहीं है, वरना आईटी का कंटेंट तो मैं अभी पढ़ लूँ, ठीक है, सीधा बोल रहा, सीधा बोलो तो मुझे आते ही नहीं है, आगे क्या पढ़ाओ, नहीं तो अब अर्थ साइंस में क्या ही पढ़ाओगे, तो बहुत सारे स्पीकर थोड़े पढ़ा दोगे, मैं इतना ही पैसा कमा सकता था, कमा लिया,
देखो मैं तो सीधा कहूंगा, अगर सर आगे भी पढ़ा रहे थे हम तो नहीं छोड़ते थे, हम तो सर वहां से ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं रुड़की से, पर अब वही है कि अब थोड़ा अब यहीं तक था सफर, तो 2 साल 2022 में हमने कोचिंग छोड़ा है, लेकिन हाँ छोड़ी नहीं है हमने, आज भी हम उसी कोचिंग के सामने हैं। ठीक है, नहीं तो अच्छी आदत लगनी भी चाहिए, मैं तो सीधा बोलता हूँ, देखो बुरी आदत छोड़ते रहो अच्छी आदत पालते रहो, तो भाई आदत लगाओ अच्छी बात होगी। तो भाई मैं इतना कहूंगा कि मेहनत करो भाई सब। देखो आशीष सर हमारे, हमारे नितिन सर, क्या सर आप लोग आईटीएन हो क्या? आप लोग आईटीएन हो? पर हाँ आईटीएन नहीं है पर आईआईटीएन बनाया है सर ने। ठीक है, नॉट द आईआईटीएंस, हम लोग ने ड्रीम देखा आईआईटी का पर नहीं कर पाए, कुछ कारणवश होते हैं, कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसे आएंगे, फैमिली इश्यूज आएंगे, डोंट गिव अप योर गोल्स, आप करते रहो, अगर आप नहीं भी कर पाओगे आईआईटी, आईआईटी इज नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन, योर फाइनल डेस्टिनेशन इज योर लाइफ, तुम लाइफ में सीखोगे बेटा, गलती करोगे यहाँ पर असफल होगे, आगे कुछ ना कुछ जरूर करोगे। सही बात है। मैंने क्या किया, मैं सरकारी जॉब पे हूँ नहीं हूँ, क्या मेरा एम ही था टीचर बनना? नहीं, मेरा एम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, बट आफ्टर बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई केम टू दिस लाइन एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। सी द जर्नी फ्रॉम बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू अ प्राइमरी टीचर, देन टू अ सेकेंडरी टीचर, देन टीचिंग आईआईटी। सो आई विल नॉट से ज्यादा कुछ हो गया क्या, मजाक में मैंने अपनी तारीफ फ्यूचर में सही बोल नहीं नहीं सही है, ये जो है ना ये आईआईटीएन सर नहीं है, लेकिन हाँ ये आज इसी के ट्यूटोरियल के सामने आया है, तो आया है तो सर की मेहनत है पूरी। ठीक है, तो भाई देखो सीधी बात है, हम सीधे हमेशा बोलते हैं अगर मेहनत करोगे, और देखो तुम लोगों को लग रहा हो ना कि सर ने बस कोचिंग खोली और बस चल चल गई, बूम हो गई कोचिंग, भाई मेहनत जो सर ने करी है ना वो सर को पता है, सच में लिटरली बता रहे, शायद सर ने ऐसी जगह पर भी पढ़ाया है जहां पर बच्चों को बोरियो के मतलब बैठालना पड़ता था जमीन पर, है ना सर? और सर ये जो मेहनत की स्टेज होती है ना, होती सबकी लाइफ में, तो सर ने भी बहुत मेहनत करी, और कहना पड़ेगा कि आप देखो आज जहाँ पे हैं, पूरे झांसी में टॉप इंस्टीट्यूट्स में नाम है, और मतलब जब मैं आया था तो सर मतलब तब भी सर वैसे ही थे, आज भी सर वैसे ही हैं। ये बात धीरे धीरे बात हो रही है, बिल्कुल सही बात हो रही है। नो मैटर बेटा जी, आप कितने भी बड़े बन जाइए, आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाइए लाइफ में, कितने भी करोड़ों कमाइए, अरबों कमाइए, हम तो कह रहे बहुत कमाइए, आप भारत के प्रेसिडेंट बन जाइए, पर कभी ईगोइस्ट मत बनिए। वंस आपके पास मनी माइंडेड हो गए आप, या आपको ऐसा लगा कि आप बहुत बड़े हो गए, आपको पता नहीं चले देर इज वेरी नैरो लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत पतली है, बहुत पतली है। घमंड अगर आपके अंदर आया, टीचर्स के अंदर भी घमंड आता, टीचर कहते यार मुझसे बेहतर नहीं पढ़ाता, मैं वो टीचर हूँ जो बच्चों को पढ़ा के सिखाऊं, और अभी भी वही कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे टीचर को जितना अच्छा सिखा सकते हैं उतना टीचर खुद बच्चों को नहीं सिखा सकता, दिस इज माई बिलीव। तो जो अभी धीरज ने बात कही ना कि फेलियर हो कुछ भी हो, एक्सक्यूज बनाना बंद करिए आप। एक्सक्यूज आपने बनाए कि यार मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे पास वो साधन नहीं है, बच्चा आपको 10 साल बाद दुनिया कैसे देखती है ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितना सक्सेसफुल किया, कितना पैसा कमाया, आप कितने हम्बल हो, कितने व्यवहार कुशल हो, या आपकी परवरिश कैसी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी परवरिश होगी आने वाली जनरेशन में आप उसी तरीके से परवरिश करेंगे। मे बी आपका छोटा भाई होगा, अगर आप आज फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा ये बात आप सबसे शेयर करने की, कि स्मोकिंग पिल्स, ठीक है, ड्रिंकिंग इज हैजार्डियस फॉर हेल्थ, ये बिल्कुल सही है, पर आज की सोसाइटी इसको कूल मानती है बेटा, लिटरली कूल मानती है, आप इसके बहकावे में बिल्कुल ना आए बच्चा, बिल्कुल भी आए। मैं ईच एंड एवरी पेरेंट्स से भी कहूँगा कि अपने आप को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ना कोई ऐप है बच्चा, ना सिगरेट, ना बीड़ी, ना कुछ,
ठीक है, अच्छी लाइफ चल रही है बच्चा, और आप लोग जैसे लोग से सक्सेसफुल होते हैं देखते हैं, धीरज को देखते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग भी स्टार्ट कर लें। नहीं बहुत अच्छा लगा बच्चा आप लोग से बहुत मिल के, कभी फिर समय मिलेगा तो कभी फिर से आएंगे आप सबसे बात करेंगे। तो बस लास्ट कर लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि देखो हम जो भी हैं ठीक है, अभी हम आईटी में आगे हो सकता है और आगे जाएं, ऑब्वियसली देखो रुकना तो नहीं है भाई, देखो पर इतना है कि आज मैं केकेडी ट्यूटोरियल में खड़ा हूँ ठीक है, और मैं सीधा बोलता हूँ कि आज है 26 फरवरी और हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो ये कोचिंग देख रहे हो ना तुम लोग भाई, ज़्यादा नहीं कहूँगा आज से शायद पाँच साल लगेगा मुझे, शायद 5 साल नहीं हो सकता 10 साल लग जाए, पर एक दिन ज़रूर आएगा कि हम आशीष सर को देखो, मुझे पता है आशीष सर कार के बहुत ज़्यादा फैन है ठीक है, कार में बैठने के बेटा सब चला नहीं पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है शोरूम पे लेके जाएंगे सर, जिस गाड़ी पे हाथ रखेंगे वो गाड़ी सर को हमारी तरफ से केकेटी ट्यूटोरियल को ठीक है, और बस इतना चाहते हैं कि उस कार पे सर बस थोड़ा सा इतना सा हमारा नाम और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पक्का बस ये एक स्टूडेंट की हमारे सर की तरफ को, सर आपने बोला था सर एक सेकंड सर आप एक मिनट सर आपने बोला था सर आपने तब गिफ्ट नहीं लिया था, पर उस टाइम पे मेरी कमाई से आप वो गिफ्ट जरूर लोगे और आप मना नहीं करोगे। मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं बस सक्सेसफुल तुम्हें देखना चाहता हूँ, गिफ्ट इज ओनली योर लव, योर वे ऑफ शोइंग योर लव, तो तुम मुझे कितना प्यार करते हो ये गिफ्ट से दिखाने की जरूरत नहीं होती बच्चा, आप याद रखिए जिंदगी में आप जब सक्सेसफुल होते हो तो आपके पीछे जितने आपके चाहने वाले हैं वो बहुत खुश होते हैं, गिफ्ट्स पे फोकस नहीं करिए, पर मैं चाहता हूँ कि मैं जो इतने साल बाद अचीव कर पाया धीरज जल्दी से जल्दी वो अचीव करे और मुझे उस गाड़ी में बैठा ले और मैं घूमूंगा आई प्रॉमिस। इट्स 26th of February, नोट डाउन द डेट, 2024 चल रही है, आएगा पक्का है, समय आएगा देखो तुम ये मत सोचना ओवर कॉन्फिडेंस है, देखो मेहनत कर रहे हैं ठीक है, पूरी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, सर का सपोर्ट है, बस इतना है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कुछ, देखो अपनी तरफ से जितना कर सकते, क्योंकि भाई जहाँ से देखो बड़े हुए हैं ना तो वहाँ उस जगह को भूलना नहीं चाहिए किस वजह से ऊपर बड़े हो, तो ऑब्वियसली यार जो तुम पेड़ बने हो तो उस माली को थोड़ी भूल जाओ यार, तो वही बात है यार। यही है सर माली सर हमारे हम पेड़ हैं, तो अच्छा लगता है जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे आपसे ज्यादा अच्छे से चीजों को समझने लगते हैं और आपसे ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। अरे सर कैसे बच्चों को हम लोग देखते हैं और उनमें से कुछ बच्चे शिखर तक पहुंच जाते हैं और कुछ बच्चे जो नहीं पहुंच पाते हैं वो सिर्फ एक ही कारण से नहीं पहुंच पाते हैं, वो है गिव अप, डोंट गिव अप प्लीज बच्चा, डोंट गिव अप, गिव अप और एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस एंड डोंट गिव अप प्लीज बच्चा। तो चलो भाई आज का और ज्यादा अच्छी बात है, वो भी बहुत मजा आया, तो चलो भाई आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।